करते हैं, राष्ट्रीय जमहूरी की शुरुआत के मौके पर सेना के कार्यक्रम ने सभी को रोमांचित कर दिया। वायुसेना की ओर से सूर्य किरण का प्रदर्शन देखते समय हर कोई स्तब्ध रह गया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र भी सूर्य किरण के प्रदर्शन से रोमांचित दिखाई दिए। नेशनल जमहूरी में स्काउट और गाइड ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। सीकर के पाटन से जमहूरी में पहुंची टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन के साथ साथ कई आधुनिक तकनीक को अपने हाथों से बनाकर प्रदर्शित किया। स्काउटर संदीप शर्मा ने बताया कि दिनेश कुमावत ने मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाया है। जमहूरी में राजस्थान की तरफ से इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी ये शामिल है। हमारे जो स्काउट गाइड्स हैं उनमें एक बच्चा जो दिनेश कुमावत है, इसने ये मिट्टी के जो बर्तन अपने हाथों से बनाए हैं, अलग अलग बर्तन जैसे गमला है, बोतल है, कटोरी है, प्लेट वगैरह, ये सब इसने तैयार किए हैं। और अभी 6 तारीख को यहाँ पे इंटरनेशनल जो कंपटीशन होगा उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व ये बच्चा दिनेश जो है ये करेगा। वहाँ पर पूरे राजस्थान की तरफ से खेल वहाँ पर जाएगा कंपटीशन के अंदर। इसके अलावा और बच्चों ने जैसे ये गत्ते से और जो सिरिंज वगैरह होती है वेस्टेज, इनका यूज़ करके हाइड्रोलिक मशीन तैयार की है जो अगर आप देखा। इसके अलावा इन्होंने के बोरवेल मशीन भी इन बच्चों ने तैयार किया जो बाकायदा आपको प्रोसेस करके दिखाएगी ये। और एक बच्चा है प्रवीण है जिसने ये लकड़ी के आइटम्स जो हैं ये आपके सामने है, जैसे ये तलवार वगैरह ये इसने बनाई है बच्चे ने। इस प्रकार से मतलब अपने हाथों की जो कला है बच्चों के पास वो अपनी इस कला को जमहूरी के माध्यम से, स्काउट कैंप के माध्यम से बच्चे अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। पारे के रोहट में चल रही जमहूरी का अलग ही नज़ारा है। रात के समय जमहूरी स्थल दूधिया रोशनी में नहाया शहर लगता है, तो वहीं दिन में ऐसा लगता है मानो कोई नया शहर बसाया गया है। जमहूरी स्थल की बात की जाए तो ये जगह वीरान थी, लेकिन अब जमहूरी के चलते मानो जंगल में मंगल हो गया हो। जंगल में मंगल, ये कहावत अक्सर किताबों पर पड़ी है, लेकिन इसको चरितार्थ होते हुए हम आपको दिखाएंगे। पाली जिले में इन दिनों नेशनल जमहूरी का आयोजन हो रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। जो टेंट लगे हैं ये बड़ी संख्या में, लगभग 9 बीघा की जमीन के अंदर, हम देख रहे थे कि 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर इस तरह का जीवंत नजारा नहीं था, लेकिन नेशनल जमहूरी के अंदर हर स्टेट से स्काउट गाइड यहाँ पर आए हैं। ये टेंट, ये झंडे अपने आप में ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो जंगल था पिछले दिनों, जहाँ पर उजाड़ था एक तरह से और ख़ासतौर से कोई भी आना जाना भी पसंद यहाँ पर नहीं करता था, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश भर के जो स्टूडेंट स्काउट गाइड जो यहाँ पर पहुँची हैं उससे ये धरती आबाद हो गई है। लगभग 3,500 से अधिक टेंट इस परिसर में यहाँ पर लगाए गए हैं। हर तरफ अलग नजारा है, ये दिन का नजारा है, रात को देखेंगे तो एक अलग ही दुधिया रोशनी में नहाया हुआ ये अलग सा शहर लगता है। ऐसे लगता है मानो एक अलग शहर राजस्थान की इस धरती पर बसाया गया हो। दोनों की इस धरती के अंदर एक प्लान सोचा गया कि क्यों ना नेशनल जमहूरी का आयोजन यहाँ पर कराया जाए, और इस नेशनल जमहूरी के लिए राजस्थान की इस पाली जिले में रोहट जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, लगभग 35,000 गाइड यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग स्टेट से, और लगभग विदेशों के भी अगर डेलीगेट देखे जाएं तो लगभग 150 के करीब डेलीगेट भी इसमें शामिल हो रहे हैं। राजस्थान का ये सौभाग्य है, लगभग 66 साल के बाद में ऐसा मौका मिला, ये चांस मिला कि एक बार फिर से राजस्थान नेशनल जमहूरी का आयोजन करें, और इस नेशनल जमहूरी को भव्य बनाने के लिए इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया। ये व्यवस्थाएं तमाम स्काउट गाइड के लिए यहाँ पर की गई हैं। इस परिसर के अंदर सभी व्यवस्थाएं ठहरने से लेकर खाने पीने तक की, और यहाँ पर अलग से बाजार भी जो है इन्हीं स्काउट गाइड के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से लगाया गया है। ये अलग अलग टेंट इस सर्दी के अंदर तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको बचाते हुए भी देखा जा सकता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड इस धोरों की धरती में है और यहाँ पर इन दिनों टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, तो ऐसे में स्काउट गाइड अपनी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देंगे,
प्रतियोगिता यहाँ पर करेंगे और उसके साथ साथ मौसम का असर भी उन पर नहीं हो, ऐसे में ये टेंट जो है उनका बचाव भी करेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है राजस्थान को जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, ये सौभाग्य, ये अलग ही तस्वीर यहाँ पर बयां कर रही है। और ये बयां, ये विचार जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने सोचा, ये विचार कहीं ना कहीं जंगल में मंगल करने वाला दिखाई दे रहा है। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जनटेलिजेंस।